इजिप्ट का पिरामिड हमारी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसे 23 लाख लाइमस्टोन की मदद से बनाया गया था, जिसमें से एक एक लाइमस्टोन का वजन एक हाथी के इतना भारी है। और ये तीनों पिरामिड्स का ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। तो इतने बड़े स्ट्रक्चर को आज से हजारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से कैसे बनाया गया होगा। और तो और इन चारों दीवारों की लंबाई 230 मीटर है। और बात यही खत्म नहीं होती है। आपको तो पता ही होगा साल में दो ऐसे दिन होते हैं जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं, पहला 21 मार्च और दूसरा 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, तो इस दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। और अगर हम 12 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करें तो वो होता है 43,200 सेकंड। और अगर हम 43,200 सेकंड को पिरामिड की हाइट 481 फीट से गुना करें तो वो आता है 6,335 किलोमीटर। ये उतनी ही लंबाई है जितनी की अर्थ के पोलर रेडियस की है। और ये कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। वैसे इजिप्ट को अरेबिक में क्या कहते हैं?